वो श्रीपाल जी करेंगे और जो मुख्य अतिथि की कुर्सी है, मुख्य अतिथि का जो कुर्सी है उसको हमारे सुरेश जी सम्मानित करेंगे जिन्होंने आप लोगों के लिए। तो मैं सुरेश जी से करवत निवेदन करूंगा कि दीपक प्रज्वलित करके जो है कार्यक्रम को शुभारंभ करें। सुरेश जी हाँ सर। क्लैपिंग भाई क्लैपिंग। धन्यवाद सर, आपने जो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम को शुभ आरंभ करने की परमिशन दी है, उस परिपाटी का पालन करते हुए कोई भी कार्यक्रम बिना सरस्वती वंदना के शुरू होना असंभव सा कार्य है। कि वही है जो स्वरों को संभालती है, ज्ञान को बढ़ाती है, स्वरों को संभालती है, ज्ञान को बढ़ाती है, बुद्धि और विद्या सबको दलाती है। तो मैं जगदीश जी से और उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। जगदीश जी Yeah.
महामारी ने सबको किसी ना किसी रूप में क्षति दी है, उस क्षति से परमात्मा सबको उबरने की क्षमता दे, चाहे वो कमाई के रूप में हो, चाहे वो जल के रूप में हो या सही शक्ति के रूप में हो। ऐसा कोई नहीं बचा पूरे विश्व में जो किसी ना किसी तरह से इससे पीड़ित ना हुआ हो। तो परमात्मा से यह विनती करते हुए मैं अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा कि जो भी किसी प्रकार के नुकसान हुआ है उनको यथा योग्य उबरने की क्षमता प्रदान करें और जो है सबको ऐसा आशीर्वाद दे कि अपने आप को समर्थवान बना करके और दोबारा से उसी रास्ते पे आ सके जिसमें वो पहले चल रहे थे। और कितना अच्छा एक प्रोग्रेस हो रहा था जिसने पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करके रख दिया है। मैं आपको बताऊं थोड़ा सा संस्था के बारे में सर कि जैसा आप देख रहे हैं कि यह संस्था 2015 में ओपन हुई और उसके बाद आज तक कंटिन्यूअसली इस फील्ड में काम कर रही है। तो जैसे जैसे इसकी आप लोगों को सपोर्ट मिलता जा रहा है, इसकी क्षमता बढ़ती जा रही है, उसी विस्तार से ये अपने कार्य भी बढ़ाती जा रही है। श्री पाल जी और रघुवीर सिंह मेमोरियल ब्लाइंड ट्रस्ट के तत्वाधान में यह संस्था कई प्रकार के खेल गतिविधि भी कराती है और इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स नॉर्मल के साथ, क्योंकि हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो इक्वल होने के लिए यह निश्चित सी बात है कि हमें बहुत कुछ जो है टच करके ही पता लगता है और जब हम समाज में रहते हैं तभी पता चलता है। तो इंटीग्रेटेड स्कीम गवर्नमेंट की एक स्कीम है जिसके तहत हम नॉर्मल के साथ नॉर्मल विद्यालय में जाकर के अपनी एजुकेशन लेते हैं, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th यानी 9th से इंटीग्रेटेड स्कीम शुरू हो जाती है और 12th तक चलती है। उसके तहत हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं और जब वो फर्स्ट सेकेंड या हाइएस्ट मार्क्स प्राप्त करते हैं तो उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा हम साल में कम से कम 2 से 3 बार क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं और एजुकेशन के क्षेत्र में जहां भी हमें किसी भी प्रकार की वीकनेस पता लगती है किसी भी स्टूडेंट की, हम तत्काल उसमें काम करते हैं। और ये सब संभव हुआ है, संभव होता है, संभव होगा केवल आप सबके समर्थन से, उसके अलावा ये संभव हो ही नहीं सकता। तो जितने भी सपोर्ट करने वाले हमारे सपोर्टर हैं उन सब से निवेदन है कि मैं इस बात के लिए वादे के साथ दावा के साथ कह रहा हूं कि आपका एक भी पैसा फिजूल नहीं होगा, हर एक एक पैसे का मोल होगा। जब मेरे ये भाई सारे पढ़ लिख करके और अपना करियर बनाएंगे तो बेशक हो सकता है इंसान धोखेबाज है, हो सकता है मैं भी धोखेबाज हूं और सब हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ आपका नाम अवश्य लिखा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आपकी कमाई का जो गाढ़ा हिस्सा है 1% भी आप इस संस्था को प्रदान करते हैं तो निश्चित तौर पर 1000 बच्चों की हेल्प करने की क्षमता रखते हैं मिस्टर श्री पाल जी। इसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं स्वागत के कार्यक्रम की ओर चलूंगा। तो सबसे पहले मैं श्री पाल जी से निवेदन करूंगा कि वो सुरेश सर का माल्यार्पण करके वेलकम करें। श्रीपाल जी हाँ धन्यवाद श्रीपाल जी। मैं सर से एक निवेदन और करना चाहूंगा, केवल सर के लिए ही नहीं जितने भी संस्था के सपोर्टर हैं सबके लिए कहना चाहूंगा कि बहुत क्या कहें समर्थकों से,
यही एक ब्रह्म प्रार्थना है ना भूले दृष्टिहीनों को, आपका स्वागत करते हैं। अब मैं मैडम कविता जो जनरल सेक्रेटरी हैं यहाँ पर, उनसे त्रिपाल जी का भी स्वागत करता हूँ। नहीं, मैं आपसे कहूँगा तो मैं मैडम कविता, मैं मैडम कविता से निवेदन करूंगा कि श्रीपाल जी का जो है पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। मैडम कविता स्वागत करें श्रीपाल जी का। और इसके हम अधिकारी तो नहीं हैं, किंतु सर की ये इच्छा है कि वो हमारे फाउंडर साहब का मुख्य अतिथि भी स्वागत करना चाहते हैं, कर भी दिया। तो मैं उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका आपकी इच्छा ही हमारा परम धर्म है, इसलिए आप स्वागत जरूर कर लीजिए श्रीपाल जी। और सुरेश जी के लिए मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हम तो बेमोल बिक गए, हम तो बेमोल बिक गए, चले थे खरीदने आपको, हम तो खुद ही बिक गए। मैडम के लिए मेरी दो पंक्तियां हैं, बहुत छोटी सी पंक्तियां। क्या बोला क्या? कि मैडम रूट, मैडम आप इस तरह से जिद मत कीजिएगा, सब मान जाएंगे, और यदि आप जिद करके अंदर चली जाएंगी तो सब जान जाएंगे। तो आपसे अब ये गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो मित्रों, बिना गुरु के तो ज्ञान आ ही नहीं सकता। बस मैं ये कहता हूँ, पहले भोजन बाद में स्नान, बिना गुरु के आए ज्ञान। तो सबसे पहले मैं असलम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अनिल सर का माल्य अर्पण करके स्वागत करें। असलम, अभी तो खेल खेल में हुआ मेल, अब हमारी घड़ी जुदाई की, अभी तो मेल भी नहीं सही से हुआ, तभी समय जाने का निश्चय कर दिया। चल भाई, तो ये विदाई तो थोड़ा सा कष्टदायी हो जाएगी। सर आपसे निवेदन है कि पहले आप आके हमारे इसमें दो शब्द कहें, ताकि मेरे बच्चों का इतना सम्मान दिया, मैं इसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आगे भविष्य में भी जैसी वो ईश्वर सेवा कराएगा मुझसे, तो मैं उसके लिए तत्पर रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ज्यादा बोलना मुझे आता नहीं है, और आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं कि उसमें उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया मुझे हमारे संस्था को, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और शब्दों की कंजूसी मत कीजिए, शब्द तो आ जाएंगे, शब्दों की कंजूसी मत कीजिए, शब्द तो आ जाएंगे, यदि आपने चंद शब्द बोल दिए तो सबके मन को भा जाएंगे। तो मैं अध्यापक गणों से, शिक्षक बिंदुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे बीच में रोकना पड़ा। तो मैं निवेदन करूंगा ए वंस अगेन कि अनिल सर का वेलकम असलम करें। समीर सर का माल्यार्पण करके वेलकम करें। मित्रों, एक अजीब चीज यहाँ पर,
कि है उसे शलेश। हमारे पास एक ऐसा शख्सियत, एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको स्वामी कहते हैं, जो रूप को भी मान सकते भाई। तो मैं स्वामी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अली सर का वेलकम करे, कुछ मान कर करे। कहाँ चले गए? बैठ जाओ, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही, कवर पीछे से। ए लाइट नहीं आ रही। अतिथिगण, एक मिनट दिलवा दो। हमारे सभी संत रामशरण सका करवा दो, जो कि समय समय पर यहाँ पर हमारी संतता के लिए हित कर रहे हैं, सहयोग करते रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी संतता प्रबंधक और अतिथिगण एवं सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर, 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपना नमस्कार प्रदान करती हूँ। मीठी मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की शान। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि सभी को ज्ञात होगा कि आज 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और हम सब यहाँ पर इस शुभ दिन को मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। 15 अगस्त 1947 को आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व हमारे देश को ब्रिटिश शासकों से आज़ादी मिली थी और यह सब केवल हमारे वीर बलिदानी क्रांतिकारियों जैसे भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर क्रांतिकारियों की वजह से संभव हो पाया है। तो आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में ये मुकाम आया। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू इस देश के काम आया। आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं जहां पर हमें अपना हमारा मताधिकार, हमें हमारी शिक्षा और हमें पूर्ण अधिकार है, जो कि जब ब्रिटिश शासक के देश में हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे तब ये सारे अधिकारों से हम वंचित थे, शिक्षा के अभाव से और अन्य कारणों से जो हमें उन्नति प्रगति नहीं मिल पाई। आज इस आजाद देश की वजह से हम इन सब कार्यों को संभव कर सकते हैं, देश की उन्नति के लिए, देश की रक्षा के लिए हम समय समय पर तत्पर रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं जगदीश और उनकी टीम से आगे सरस्वती वंदना स्वागत गीत के लिए मैं उनसे उनकी टीम से निवेदन करूंगी। प्रिंट है ना आज आपका सारा।
मैं तुम्हारा।
जरूरी समझता हूं कि किसी भी चीज में किसी भी इंसान की जिंदगी हो, चाहे संस्था की जिंदगी हो या किसी भी क्षेत्र क्यों ना हो, एक सफलता में नारी का हाथ होना बहुत जरूरी है। तो जब से नारी शक्ति इस संस्था के साथ जुड़ी है तब से इस संस्था की काफी उन्नति हो रही है, मैं देख पा रहा हूं, और शायद इस बात से सारे लोग सहमत होंगे, कुछ चंद लोग छोड़ के बाकी सारे सहमत होंगे। तो सबका स्वागत हो और नारी शक्ति का स्वागत ना हो, वैसे जनरल सेक्रेटरी मैडम को ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं रोशनी से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो पुष्प कुछ देकर मैडम अंशिका का भी वेलकम करे। क्लैप। तो स्वागत समारोह यहाँ पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने मेन कार्यक्रम की ओर। मैंने ऐसा सुना है कि म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी है, तो आगे का क्या संचालन है? पहले उससे पहले मैं श्रीपाल जी जो आगे फाउंडर हैं उनसे निवेदन करूंगा कि संस्था के बारे में चंद शब्द बताएं, भूतकाल में जो उन्होंने किया वो बताएं, वर्तमान में जो प्लानिंग है वो बताएं, संस्था के पास जो फैसिलिटीज है वो बताएं और जो नहीं है वो भी बताएं। ऑल द प्लानिंग व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड इन फ्यूचर एंड व्हिच हैड बीन कंप्लीटेड इन पास्ट एंड व्हिच विल हैव टू डू इन फ्यूचर। साथियों, ये संस्था मैंने 2015 में 26 जून को इसका उद्घाटन किया था और तब से ये सुचारू रूप से चलती चली आ रही है। संस्था के अंदर मैंने काफ़ी मुसीबतों का सामना किया और उसमें कुछ लड़कों ने, मैं कुछ ही लड़के कहूँगा, इनको नाम भी मैं ओपन कर दूँगा कि योगेश, बबलू, जगदीश सिंह यादव और एक दो लड़के और भी हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन फिलहाल में तीन लोग मेरे साथ अभी उपस्थित हैं 2015 से, जो हर मुसीबत में हर समय मेरे साथ तैयार हैं अभी तक। लोग मेरे साथ अभी तक हैं और धीरे धीरे आप लोग भी जुड़े, अनिल सर भी जुड़े, उसके बाद मिस्टर रामशरण सर भी जुड़े और 2015 में और आप 2021 में काफ़ी फर्क हो चुका है। संस्था के अंदर बहुत कुछ हमारे पास सिस्टम है, कंप्यूटर भी हमारे पास उपलब्ध है और हम
कुछ भी नहीं था, मैं ये मालूम कि मैं जीरो था, और आज जीरो से एक नंबर पे हम पहुंचे हैं। जब से अनिल सर और राम शरण सर जुड़े हुए हैं हमारी संस्था से, और अभी मैं हाल फिलहाल की बात करता हूँ, केवल छः महीने के अंदर हमने वो काम किया है जो आज तक हम 6 साल में नहीं कर पाए थे। पहले केवल हमारे पास 10 या 8 लड़के की सीट थी, और आज हमारे पास कम से कम 25 से 30 बच्चों की सीट है, अभी भी सीट हमारे पास अभी भी खाली है। और 6 साल पहले हमने कभी कंप्यूटर नाम की कोई चीज अपने संस्था के अंदर नहीं देखी थी। आज 3 महीने के अंदर यानी कि अप्रैल से लेकर अभी तक 3-4 महीने के अंदर हमारे पास 1 नहीं 2 कंप्यूटर है, और एक कंप्यूटर टीचर भी है हमारे पास, और एक ब्रेल अध्यापक भी है। लेकिन साथियों, मैं सभी से भी एक निवेदन करूंगा, आप लोग इसका यूज़ करें, और इसका यूज़ करें ताकि कुछ आप जीवन में कुछ कर पाएं। अगर आप कुछ करेंगे किसी भी क्षेत्र में, मैंने कल ग्राउंड में भी ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आप चाहे खेल या खेल से संबंधित हो या पढ़ाई लिखाई या किसी भी क्षेत्र में आप कुछ भी काम करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ताकि मैं सीना उठाकर अपना सिर उठाकर किसी भी मेंबर से किसी भी दानी से कहीं से भी मांग कर आप लोगों की ला सकता हूं कि मेरे बच्चे इस करते हैं। किसी से निवेदन करने में, किसी के आगे सिर झुकाने में कोई छोटा और बड़ा नहीं बनता है, लेकिन जब आप लोग कुछ करोगे तभी हमारी संस्था का नाम और खासकर आपके माँ बाप का नाम और हमारा मेरा नाम रोशन होगा। कि फर्क, हॉस्टल का ये बच्चा था, फर्क छात्रावास का ये लड़का था, वहाँ से पढ़ाई कर या जॉब कर रहा है। उदाहरण के लिए हमारे यहीं पर रहते रहते इसी हॉस्टल में योगेश कुमार, जो कि आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गलत के रूप में काम कर रहा है, ये मुझे बड़ी खुशी। और साथियों, आगे की जो प्लानिंग मेरी है, आप लोगों का यूं ही साथ बना रहा तो आज इस बिल्डिंग अब अपनी नहीं है, किराए पर है, लेकिन आप लोगों का सहयोग बना रहा तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से एक छोटा सा जो हमारी संस्था है बहुत छोटी सी, और छोटा सा छात्रावास के लिए कहीं छत भी खोजने की कोशिश मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों के सहयोग जब मेरे साथ में रहेगा तभी मैं ये कर पाऊंगा, और नथा तो बड़ा मुश्किल हो पाएगा। और हम लोग हर दिवस पर, आज 15 अगस्त है या 3 दिसंबर है, 4 जनवरी है, उस पर छोटे छोटे प्रोग्राम भी हम करते रहते हैं। अभी कल क्रिकेट का हुआ है, फिर 3 दिसंबर को भी एक क्रिकेट का टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, उसके बाद 4 जनवरी जो कि हमारे भगवान लुई जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, हम उस पर भी कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य करेंगे। इसलिए बात तो हम कोरोना काल के कारण ऑनलाइन ही प्रोग्राम करते हैं, ये भी अच्छी बात है, ऑनलाइन कभी कभी मौका मिलता है, और इस बार हम कोशिश करेंगे कि शायद ईश्वर की कृपा रही तो हम ऑफलाइन प्रोग्राम जहां हमें स्थान मिलता है आनंद विहार में या कहीं पर भी वो अपना परिक्रमा कर सकते हैं। और समय ज़्यादा नहीं है साथियों, तो कार्यक्रम काफ़ी लेट हो चुका है, और एक बार मैं सबसे एक बार यही निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दें ताकि छात्रावास की इच्छा पूरी हो सके। उससे पहले मैं समाप्त करूंगा, एक बार चोट से वंदे मातरम का नारा लगाएंगे हम सब लोग, ताकि आस पड़ोस को ये पता लगे 15 अगस्त का प्रोग्राम इस छोटी सी संस्था में मनाया जा रहा है। तो मित्रों, श्रीपाल जी ने हमारा साथ मांगा है, मुझे लगता है हम सब साथ हैं, तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि श्रीपाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीपाल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। श्रीपाल जी आगे बढ़ो, हम
कर देखा जाता है। यदि सीना नहीं लगाना पड़ा तो एक मिनट की देरी नहीं करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ आपको आश्वासन देते हैं कि हमसे जो भी बल पड़ेगा, जहां भी हमारी जरूरत होगी, हर पल हम आपके लिए, आपकी संस्था के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं सीना जी को देता हूँ, वो कार्यक्रम और स्वामी का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एक पंक्तियां बोलना चाहूंगी अपने सर की बातों के ऊपर। महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो काम है खुशबू का, मेहनत के पौधों में एक दिन सफलता के फल भी ये महकेंगे। मेहनत के पौधे में एक दिन सफलता के फल भी महकेंगे, लकीरें हाथों की तब और चमकेंगी और सितारे भी हमारे चमकेंगे। अब इसी के साथ जगदीश अपना आगे का प्रोग्राम स्टार्ट करेगा। इसकी भाषा अरे, इसकी बोली अरे।
Thankful to our respected Sripal ji and our chief guest Suresh ji and our dearest and beloved one, our teacher Ram Saran sir, those who giving me this golden opportunity to perform my instrumental song. So today is the Independence Day, so we all are celebrating now in this moment. So I also play some instrumental from my side. If any mistakes, please forgive me. Please come and just hold this mic. Please come, normal anyone? Yeah. This time I play not a secular song, but I play in a gospel because I had so many English Hindi songs, but I can't never play on the instrument. This song is Blessed Assurance, Jesus is Mine. Oh, what a artist! Glory to God. Thank you.
शक्ति। अभी मैंने जो भी गाना बजाया है उसका ये मतलब है कि ऐसे सोचिए हमारे खुदा कितना महान है जो हमें मन में सुख और शांति की आस दिलाते देते हैं, यही है। और उनके चरणों में आने से हमें मुक्ति मिलती है, ये ऐसे इतना ही लाइन बोल सकता हूँ। You have given very nice performance here. So I have to forgive myself because in the end time I cannot make a show because I cannot play properly. So please forgive me on that. No. Basically, you have to good performance and glory. Okay, thank you all of you, and once again, happy Independence Day, all of you. Same to you. वैसे भी हमारे भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। गाने की प्रस्तुति करें। Go!
Oh,
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करयसि इन पंक्तियों के साथ मैं सर्वप्रथम आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस स्कूल के विद्यार्थियों को प्रणाम करता हूं, अपने गुरुजन बिंदु को प्रणाम करते हुए और भारत माँ के चरणों में और उन शहीद के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जो 14 अगस्त को 1947 में विभाजन के दिन त्रासदी का शिकार हुए और शहीद जो हमारे लिए हुए और उन जवानों के लिए भी। हमने इन 2 सालों में जैसे हम हंसना ही भूल गए हों, तो इन कोरोना ने हमें इतना प्रताड़ित किया, उससे निकालने का आपको दंश से निकालने का प्रयास करूंगा। मैं मेरे टॉन्सिल की प्रॉब्लम है, पर रामचरण सर जी को जब पता चला तो इन्होंने कहा कि ये मैं नहीं जानता कि तुम्हें तो गाना है, तुम्हें आना ही होगा मंच पे, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं है, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आप शुरू से ही मेरे मार्गदर्शक रहे हैं जब से मैं फरीदाबाद में गया हूँ, पिता तुल्य हैं आप, आचार्य हैं, तो मैं आपके लिए भी एक शायरी कहना चाहूँगा जो आपने ही कभी सिखाई थी मुझे। सड़क पे चलेंगे दिया जला कर भी, पर सूरज भी साथ दे तो कुछ और बात है, यूं तो चल लेते हैं एक पांव से भी सभी, पर दूसरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। और मैं लतीफा सुनाता हूँ चुटकुला, कोशिश करूंगा कि आपको अच्छा लगे। एक बार रामशरण सर सऊदी अरब गए, वहां उन्हें एक पाकिस्तानी दोस्त और एक बांग्लादेशी दोस्त मिल गया। उन्होंने वहां पे ड्रिंक की और बाहर रोड पे घूमने लगे, तो पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया। तो पहले तो बांग्लादेशी को 15 बैतों की सजा मिली, फिर पाकिस्तानी को 15 बैतों की सजा मिली। अब रामशरण सर जी की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे सजा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पीठ पे पहले पाकिस्तानी को लिटा दो, उसके बाद बैत बजाओ। और एक बार ऐसा हुआ कि प्लेन में शमीम सर जा रहे थे, तो किसी पाकिस्तानी ने कह दिया कि देखें किसका खुदा बड़ा है, तो एक पाकिस्तानी या अल्लाह कहते हुए कूद गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानियों, हमारा तो एक फौजी शहीद हो चुका है, आप में हिम्मत हो तो आप आ जाइए, हम देखना चाहते हैं किसका खुदा बड़ा है। तो शमीम सर सामने आए और उन्होंने पाकिस्तानी को गोद में उठाया, और अब आप लोगों का साथ उनको चाहिए होगा क्योंकि बहुत भारी है पाकिस्तानी, शमीम सर आपको तो पता है थोड़े छोटे कद के हैं, तो पाकिस्तानी भारी है, आप लोगों को साथ चाहिए होगा, दोनों हाथ उठा के कम से कम शमीम सर का आशीर्वाद दीजिएगा। तो उन्होंने आवाज लगाई हरार महादेव, और उस आवाज के साथ उन्होंने पाकिस्तानी को प्लेन से नीचे फेंक दिया। एक बार स्वामी की पत्नी को गोली लग गई और वो खत्म हो गई, तो असलम वहां शोक मनाने के लिए पहुंचे। हाँ, तो स्वामी ने रोते रोते बताया, यार मेरी पत्नी को गोली लग गई थी। असलम भी शोक में बोले, भाई गोली कहाँ लगी? स्वामी ने बताया माथे पे लगी, तो असलम बोलता है शुक्र है दिल में तो कम से कम नहीं लगी। और एक बार ऐसा हुआ, आप हरियाणा को तो जानते ही हैं कि हरियाणा अखाड़ जवाही में जाना जाता है, मैं भी गुड़गांव से बिलोंग करता हूँ, गुड़ग्राम से। तो एक बार रामशरण सर की शादी एक हरियाणी महिला से हो गई,
जब इनका बालक हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटे फेल मत होना, देख ले। और दुर्भाग्य से वो परीक्षा में फेल हो गया। अब रामचरण जी पूछे, सर जी पूछे कि बेटा पेपर में क्या हुआ, तो बोला बापू जो हमारे काम के ऊपर धान लागता था ना, उसका छोरा फेल होगा। बोले अरे मैं तेरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। करे अरे बापू मैं अभी तो वही कह रहा हूँ कि तू कौन सा प्रधानमंत्री लाए रहे जो तेरा छोरा फर्स्ट हो जाओगा। एक बार सर ऐसा हुआ कि एक बाबा बैठा हुआ था, वो योगेश भाई के पास जाकर बोला बेटा ज्योति जलाकर, बेटा तुम्हें पता है ये ज्योति आती कहाँ से है। योगेश ने उसके फूंक मारी और कहा पापा अब बताइए ज्योति कितको गई। तो सर ये हरियाणा में पश्चिमी यूपी वाले हैं, ये जवाब देने में माहिर रहते हैं, इनका खैर कुछ नहीं हो सकता। और इसी के साथ सर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं ये कहते हुए, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। वंदे मातरम। लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, यही उनके निशान बाकी है। और इसी के साथ ही स्वामी अब झंडा गीत गाते इस कार्यक्रम का समापन करते हैं।